यस सरकार चैप्टर नंबर 26 जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर कस्टम्स सर कस्टम का चैप्टर नंबर 2 एक तरह से चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 12 आ रहा आपके सामने दिल थाम के बैठेगा कि कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एक इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट ओके तो सर चार्जिंग सेक्शन कहता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया पे क्वेश्चन लगेगा व्हाट डू मीन बाय इंडिया हिंदुस्तान इंडिया को डिफाइन किया है सर सुनना बात ध्यान से फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट इंडिया मीन्स लैंडमास जो है इंडिया का लैंडमास प्लस 12 नॉटिकल माइल बेटा फ्रॉम सी शोर 12 नॉटिकल माइल जिसको इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहते हैं वो भी इंडिया का पार्ट है और एवरी प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट वहां पे भी अप्लाई होता है पर उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक मतलब सर 12 के बाद जो नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स है जिसको बोलते हैं क्या सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया वो भी इंडिया का पार्ट है पर फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट वो इंडिया की डेफिनेशन में नहीं आता है पर हाँ इसका मतलब ये हो गया वहां पे कस्टम्स एक्ट के कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होते उस नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स में जिसको इंडियन कस्टम्स वाटर कहते हैं पर हाँ सिंस उस 188 नॉटिकल माइल्स को इंडियन कस्टम्स वाटर कहते हैं क्योंकि इंडियन कस्टम वाटर का एक्ट का इंडियन कस्टम्स वाटर का डेफिनेशन चेंज करके बोल दिया था क्या इंडियन कस्टम वाटर शैल एक्सटेंड अप टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इसलिए वहां पे सारे अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं अगर आपने वहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया तो वहां अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजन अप्लाई होंगे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स ओके सर पर उस 188 नॉटिकल माइल्स में अच्छा 12 नॉटिकल माइल तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर में तो सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट अप्लाई होंगे कोई भी वेसल या कोई भी एयरक्राफ्ट 12 नॉटिकल माइल में आ गया मतलब इंडियन कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजन वहां पे अप्लाई होंगे पर हाँ सर ध्यान देना उस 188 नॉटिकल माइल में अगर कोई वेसल आया और घूम फिर के वापस चला गया तो ऐसे केस में सर सिंस वो फ्री ट्रांजिट जोन है फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट वहां पे कस्टम्स के कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर वो 12 नॉटिकल माइल में एंटर नहीं हुआ तो और हाँ अगर उसने कोई ऑफेंस वगैरह किया होगा तो सर अरेस्ट डिटेंशन के प्रोविजन वहां पे अप्लाई हो जाएंगे और एक और बात सर ध्यान देना उस 188 नॉटिकल माइल्स में अगर आपने सर वहां पे कोई ऑयल रिग एस्टेब्लिश करी हुई है ऑयल रिग मतलब ऐसा इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर और वेसल विच इज इंस्टॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन और प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस तो वो ऑयल रिग इंडिया के डेफिनेशन का स्कोप का पार्ट बनता है मतलब सर वहां पे कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया तो कस्टम्स लगेगा वहां से एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट के प्रोविजन लगेंगे पर हाँ उस ऑयल रिग से अगर कोई गुड्स आप मुंबई में लेके आए जैसे बॉम्बे हाई ऑयल रिग से आप कोई गुड्स मुंबई में लेके आए तो सर ऐसे केस में वो इंपोर्ट नहीं है क्योंकि इंडिया से इंडिया में लेके आए क्लियर या कोई गुड्स आपने मुंबई से ऑयल रिग में भेजा जो 188 नॉटिकल माइल्स में है तो सर ऐसे केस में कोई कस्टम्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि इंडिया से इंडिया गया बेटा ओके पर हाँ सर याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था पानी में तैरता हुआ होटल सर जो 188 नॉटिकल माइल है वहाँ पे मान लो अपना पानी में तैरता हुआ एक होटल है तो वो इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है कोई गुड्स अगर आपने इंडिया से मुंबई से कोई गुड्स अगर ऑयल वहाँ पे उस इंडिया में वहां तैरते हुए होटल में भेजा है तो वो एक्सपोर्ट और वहां से कोई गुड्स इंडिया में आए तो इंपोर्ट के स्कोप में आ जाएगा ओके ये हमने पढ़ लिया क्या इंडिया क्या होता है अब सर टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ कस्टम क्या है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया अब इंपोर्ट केस में हम और डिटेल में गए तो इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड इंपोर्ट के केस में टैक्सेबल इवेंट व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड एट कस्टम पोर्ट एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड क्लियर एंड एक्सपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स आर क्लियर आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी तो ऐसे केस में वो डोमेस्टिक गुड्स कहलाती है बेटा टेक्निकली इंपोर्टेड गुड्स तब तक ही कहलाती है जब तक गुड्स क्लियर नहीं हुआ कस्टम पोर्ट पर आने के बाद ओके सर एक्सपोर्ट केस में टैक्सेबल इवेंट एक्सपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड कस्टम पोर्ट एंड शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज फाइल्ड एंड एक्सपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स क्रॉस द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स और हाँ ध्यान रखना इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होने से पहले अगर कोई वेसल डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ ऐसे केस में कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता आपको पता है बेटा और उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ तो सर बात अलग हो जाएगी वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा बच्चों ओके सर ये हो गया सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ इंडिया अब आ रहा है सेक्शन नंबर देखना 15-16 अच्छा सुनना सेक्शन नंबर 13-14 है पिल्फर्ड गुड्स बाद में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 है वैल्यूएशन हम बाद में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर दिया है सेक्शन नंबर 15-16 इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 15 रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू सेक्शन 15 और रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू सेक्शन नंबर 15 की बात करें पहले बेटा तो सर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू सर याद आया कस्टम चार्ज क्यों हुआ टू इक्वलाइज क्लियर इसीलिए जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से हम इक्वलाइज करेंगे और उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है बेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाटएवर इज लेटर
क्लियर. और अगर एयरक्राफ्ट या व्हीकल से गुड्स आया है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ व्हीकल या एयरक्राफ्ट व्हिचएवर इज लेटर इज द रेट इज द डेट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. और अगर इन एनी अदर केस है स्मगलिंग वगैरह केस है तो ऐसे केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज द रिलेवेंट केस. ओके सर नेक्स्ट आ रहा है क्या एक्सपोर्ट के केस में रिलेवेंट डेट क्या होगा जिस दिन आपको परमिशन मिला फॉर लोडिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्लियर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर सेक्शन 51 फॉर लोडिंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी जैसे स्मगलिंग वगैरह केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू. और हाँ सर इन केस ऑफ बैगेज और मेल बैग्स स्पेशल प्रोविजन दिए इसलिए ये प्रोविजन बैगेज और मेल बैग्स में अप्लाई नहीं होते. हाँ सेक्शन 15 16 अप्लाई होंगे भले गुड्स आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया बाय वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल कोई फर्क नहीं पड़ता. और हाँ DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अगर आपने SEZ को कोई गुड्स अप्लाई किया है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर नहीं होता है. जैसा SR स्टील लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ है तिरुपति उद्योग लिमिटेड केस में जजमेंट आया हुआ है मैंने पढ़ा आपको बेटा. क्लियर क्योंकि एक्सपोर्ट का डेफिनेशन क्या है टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड SEZ इज नॉट अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. इसको लोकेटेड आउटसाइड इंडिया माना जाता है फॉर अदर बेनिफिट इन द कस्टम्स एक्ट या अदर लॉ बेटा पर फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड SEZ इज नॉट अ प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. ओके सेक्शन नंबर 17 सर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी ध्यान देना बेटा. आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो या शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हो सर एवरी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर उसको सेल्फ असेस करके लेके आएगा बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा ड्यूटी का अमाउंट लिखेगा और जो सेल्फ असेसमेंट उसने डॉक्यूमेंट फाइल किया बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा वेरीफाई करेगा. ध्यान रखना बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल जो भी आप फाइल करते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स अलोंग विद द मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे प्लस उसमें आप डिक्लेरेशन देंगे गुड्स का वैल्यू इतना है क्लासिफिकेशन रेट ऑफ ड्यूटी इतना है. क्लियर ये सब कुछ आप HSN कोड ये सब कुछ डिक्लेयर करेंगे उसके बेस पर आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट किए उन सबको मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा असेसमेंट को. इफ एवरीथिंग फाउंड ओके तो आपका जो असेसमेंट किया उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी बिल ऑफ एंट्री को वो ओके करके रिटर्न कर देंगे. पर अगर उनको लगता है मामला गड़बड़ है तो वो चाहे तो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह भी मंगा सकते हैं एंड दे हैव द पावर टू रीअसेस द गुड्स. और रीअसेस अगर किया है तो अगर आपने असेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है पर अगर उसने रीअसेसमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो डिपार्टमेंट विल हैव टू इश्यू अ स्पीकिंग ऑर्डर. स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो बोलता है क्या बोलता है रीजंस बोलता है कि हमने ऐसा रीअसेसमेंट क्यों किया. क्लियर समझे मेरी बात. अच्छा डिपार्टमेंट क्या करता है रिस्क इवेल्युएशन बेसिस पर कुछ असेसी को सेलेक्ट करता है और उनकी बिल ऑफ एंट्री को एक एक एंट्री वाइज वो चेक करता है बेटा. ओके सर अब सर ध्यान रखना रिस्क सर ध्यान रखना अगर रीअसेसमेंट किया है और ऐसे केस में एसएससी एक्सेप्ट नहीं करता तो स्पीकिंग ऑर्डर पास करना कंपलसरी. ऐसा एक इंटरनल इंस्ट्रक्शन भी इशू किया CBI ने अपने सारे ऑफिसर्स के लिए कि आप स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे क्योंकि इट्स द राइट ऑफ द एसएससी टू गेट द नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि उसका असेसमेंट रिजेक्ट क्यों हुआ बेटा. ओके ये सेक्शन नंबर 17 असेसमेंट. सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट. अगर किसी कारण से एसएससी भले उसने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया बिल ऑफ एंट्री फाइल किया या शिपिंग बिल फाइल किया वो सेल्फ असेस नहीं कर पा रहा है या डिपार्टमेंट ने उसके गुड्स में से कुछ सैंपल ड्रॉ करके टेस्टिंग के लिए भेजे लेबोरेटरी और उसकी रिपोर्ट आना बाकी है या डिपार्टमेंट ने उसके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मंगाया जो वो नहीं दे पा रहा है या टाइम लग रहा है तो ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर या एक्सपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है उस ज्यूरिस्डिक्शनल पोर्ट का वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है. असेसी अप्लाई करेगा पर डिपार्टमेंट ऑफिसर उसका प्रोविजनल असेसमेंट तभी करेगा जब वो एक बार बॉन्ड साइन करेगा. असेसी बॉन्ड साइन करेगा और उसमें लिखेगा कि जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स होगा वो मैं पे करूंगा अलोंग विथ इंटरेस्ट. क्लियर बॉन्ड साइन करेगा उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा प्रोविजनल असेसमेंट करेगा. प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हो गया जितना उसने प्रोविजनल असेसमेंट का अमाउंट बताया उतना आपको पहले पे करना पड़ेगा. जैसे मेरे एग्जांपल जो मैंने क्लास में था 1000 rupees इज द टैक्स का अमाउंट प्रोविजनली तो पहले आप उतना पे करेंगे बॉन्ड साइन करेंगे पे करेंगे फिर गुड्स अलाउ होगी क्लियरेंस के लिए. उसके बाद डिपार्टमेंट फाइनल असेसमेंट करेगा और हाँ फाइनल असेसमेंट विल बी डन इन सच मैनर एंड सर ध्यान देना बेटा विद इन सच टाइम एज में भी प्रिस्क्राइब जो हम बात करेंगे रूल इसके लिए रेगुलेशन दे रखे बेटा. और हाँ ध्यान देना बेटा फाइनल असेसमेंट करने के लिए उनको कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉपरेट करना पड़ेगा. और उसके बाद इन सबको स्टडी करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या करेगा फाइनल असेसमेंट करेगा. अब फाइनल असेसमेंट मान लो हायर अमाउंट पे हुआ बेटा जैसे प्रोविजनल असेसमेंट था 1000 में फाइनल हुआ कितने 1200 में तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 200 आपको पे करना पड़ेगा वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. और पता है इंटरेस्ट कितना 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से. पर कब से जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था गुड्स का उस मंथ की एक तारीख से लेकर जब आप टैक्स पे करेंगे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. एंड सेकंड केस अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कम में
सर जैसे प्रोविजन थाउजेंड में फाइनल हो गया, कितने में 700 में, तो ऐसे केस में 300 का अमाउंट आपको क्या मिलेगा, रिफंड। बट दिस अमाउंट ऑफ रिफंड विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और अगर आपने प्रूव कर दिया कि बर्डन आपने बोन किया, यू आर एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो आपको रिफंड मिलेगा, या किसी और पर्सन जिसने बर्डन बोन किया उसको रिफंड मिलेगा, नहीं तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट जाएगा। मान लो आपने प्रूव कर दिया कि आपने बर्डन बोन किया, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। जिस दिन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उस डेट से कोई मतलब नहीं है बेटा। सर जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ है वहां से 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिला, जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ उसके 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिला है, तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है जब अप्लाई करते हैं वहां से 3 महीने काउंट होते हैं, यहां पर जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 3 महीने के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला, तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल गेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। बेटा क्लियर डन। अच्छा आप चाहे तो जब प्रोविजनल असेसमेंट एक बार आपने करा दिया, अब फाइनल असेसमेंट होने से पहले भी आप चाहे तो कुछ अमाउंट आप सेल्फ डिटरमाइन करके पे कर सकते हो, सो दैट आपका इंटरेस्ट उतने अमाउंट का बच जाए बेटा। तो आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उतने अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कम चार्ज कर देंगे, उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट। सर जिस दिन आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया तब तक का इंटरेस्ट लगेगा बेटा, और बाद में जब फाइनल असेसमेंट होगा फिर अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए सर प्रोविजनल असेसमेंट के रेगुलेशन दे रखे हैं हमें। सर सुनना बच्चों ध्यान से, इसमें कुछ नहीं पर्टिकुलरली टाइम लिमिट दे रखा है। तो रेगुलेशन 3 बोलता है कि कितने टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह असेसी को प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो जिस रीजन की वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर जब पास हुआ उसके 1 महीने के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड नहीं किए थे जिसकी वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे प्रॉपर ऑफिसर को। पर हाँ, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपसे फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, पर उसको जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ उसके नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अगर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड चाहिए तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा विद इन 15 डेज, और उसके एक महीने के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पर अगर उस 1 मंथ में आप डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हो उसको, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग और रीजनेबल केस अगर है तो 3 महीने का फर्दर एक्सटेंशन आपको और दे देगा टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह। क्लियर। पर अगर उस 3 महीने में भी अगर आप रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको फर्दर 3 महीने का टाइम और दे सकता है। क्लियर। पर उस 3 महीने में भी आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, आपके पास रीजनेबल रीजन था, तो कमिश्नर चाहे तो फर्दर और टाइम आपको अलाउ कर सकता है, जितना भी टाइम उसको लगता है कि रीजनेबल है उतना वो अलाउ कर देगा, कोई लिमिट उसके लिए फिक्स नहीं किया। क्लियर। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आप देंगे एक 1 इंस्टेंस में देंगे बेटा, ऐसा नहीं आज एक डॉक्यूमेंट लग गया कल दूसरा डॉक्यूमेंट लग गया, नहीं, 1 इंस्टेंस में। और अगर आपकी मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री थी तो हर बिल ऑफ एंट्री को एक सेपरेट केस माना जाएगा बच्चों। ओके सर, नेक्स्ट रेगुलेशन की सब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब साहब ऑफिसर को क्या करना है, फाइनलाइजेशन करना है असेसमेंट। तो सर जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट हो गए या लेबोरेटरी टेस्टिंग का रिपोर्ट आ गया या जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो वो वजह खत्म हो गई, उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसको फाइनल असेसमेंट करना पड़ेगा। पर कमीशन चाहे तो उस प्रॉपर ऑफिसर को 3 महीने का वक्त और दे सकता है, तो 2 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम मिल जाएगा फाइनलाइज करने के लिए असेसमेंट के लिए। पर हाँ, सीबीआईसी ने अगर किसी मैटर पे स्टे लगा रखा है कि रुको रुको अभी इसके लिए कोई फाइनलाइजेशन मत करना, तो उस केस में वहाँ पे 2 महीने और 3 महीने का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। क्लियर डन। अच्छा, फिर नेक्स्ट रेगुलेशन मिलता है कि फाइनलाइजेशन हो गया असेसमेंट का, तो उसके बाद जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो एसएससी पे करेगा विद इंटरेस्ट पे करेगा, या डिपार्टमेंट अगर एक्सेस अमाउंट पे किया था प्रोविजनल असेसमेंट में अमाउंट कम हुआ फाइनलाइज में तो रिफंड करेगा, हम जो बताओ उस अकॉर्डिंग बेटा। क्लियर। और इंटरेस्ट की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर किसी ने रेगुलेशन फॉलो नहीं करे तो 50,000 का पेनल्टी उस एसएससी पे चार्ज उस पर्सन पे चार्ज हो सकता है बेटा। क्लियर अंडर दिस रेगुलेशंस। पक्का डन। ये था रेगुलेशन, ये था आपका रूल सेक्शन नंबर 18 अलोंग द रूल्स की कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस। क्लियर। सुनो बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 19। सर अगर आपने मोर देन वन गुड्स इंपोर्ट किए, व्हेन सेट ऑफ आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, व्हेन सेट ऑफ आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मोर देन वन गुड्स इंपोर्ट किया, प्राइस कॉमन चार्ज किया, तो ऐसे केस में किस गुड्स में हम क्लासिफाई करेंगे। अगर गुड्स पे स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है, मतलब अमाउंट पर यूनिट फिक्स है, तो ऐसे केस में कोई झगड़ा होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती बेटा। पर अगर रेट ऑफ ड्यूटी इज फिक्स्ड एड वैलोरम, मतलब परसेंटेज ऑफ वैल्यू बेटा, अब इंडिविजुअल गुड्स का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सेट ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट किया सबका वैल्यू एक साथ रखा बेटा, कॉम्बो प्राइस है, अब किस रेट से टैक्स चार्ज करेंगे, तो सर उन गुड्स में जो हाईएस्ट रेट होगी वो गुड्स में क्लासिफाई कर देंगे एंटायर सेट ऑफ आर्टिकल को, और हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर सेट। पर ध्यान देना बच्चों, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यू निकाल सकते हो तो उन पर्टिकुलर गुड्स पे तो रेस्पेक्टिव गुड्स रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, रिमेनिंग जो गुड्स बच गए उनकी सबकी वैल्यू में जो हाईएस्ट रेट होगी बेटा, रिमेनिंग गुड्स में जो हाईएस्ट है, जैसे ए बी सी डी ई आपने इंपोर्ट किया उसमें ए और बी की आपने वैल्यू निकाल दी, तो ए और बी की रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, सी डी और ई में जो सी डी और ई की वैल्यू है
उन सी डी और ई में जो हाईएस्ट रेट होगी वो लगा दी जाएगी उस रिमेनिंग वैल्यू पे बेटा, क्लियर डन। और सबका अगर इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स बात करता हूं बेटा ओके। पर सर अगर आपने कभी सेट अब अगर आपने कभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट किया अलॉन्ग विद द मेन गुड्स, और अगर पार्ट्स और कंपोनेंट्स आपने इंपोर्ट किया अलॉन्ग विद द मेन गुड्स दीज आर इन एसेंशियल क्वांटिटी, तो वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स को सेपरेट गुड्स नहीं मानेंगे, ये मानेंगे आपने मेन गुड्स इंपोर्ट किया और पार्ट्स और कंपोनेंट्स की रेट को हम इग्नोर करेंगे बेटा। पर अगर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया वो अलॉन्ग विद द पार्ट्स और कंपोनेंट्स है, पर पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर इंपोर्टेड इन एसेंशियल क्वांटिटी आर नॉट इंपोर्टेड इन एसेंशियल क्वांटिटी, मतलब आपने एडिशनल क्वांटिटी इंपोर्ट किया तो ऐसे, और उसमें अगर वैल्यू अलग से नहीं दे रखा है, प्राइस दोनों के लिए कॉम्बो बना रखा है उसने, कॉमन प्राइस है, तो ऐसे इसमें हाईएस्ट रेट लगेगा और जो गुड्स की वैल्यू है वो गुड्स की रेट और कंपोनेंट या पार्ट्स या एक्सेसरीज की रेट जो होगी जो भी हायर होगा वो लग जाएगा बच्चों इस केस में। क्लियर समझे मेरी बात डन। सर ये था सेक्शन नंबर 19 बच्चों, ध्यान रखना आप हमेशा अपने क्लाइंट को इस तरह की एडवाइस दीजिए कि सर वो सेट ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट नहीं करे, वो क्या करे अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जो गुड्स उसने इंपोर्ट किया, भले इनवॉइस एक बनवा दे पर सबकी वैल्यूज अलग अलग लिखवा दे, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स लग जाएगा, उससे टैक्स बचने का चांस है उसका बेटा। सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 में आता है 20 हम बाद में पढ़ेंगे, 21 याद है क्या, जेटसम फ्लोटसम डेरेलिक्ट रेकेज, अबे वो ऐसे नहीं सर रेकेज सुनना बच्चा ध्यान से, जेटसम गुड्स थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन, फ्लोटसम सर गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक, सर डेरेलिक्ट अनअटेंडेड बोट स्टीमर और वेसल इन द सी, एंड सर रेकेज ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप, अरे ब्रोकन हार्ट्स नहीं ओए ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप। अब सुनना बड़ा है, ये चारों गुड्स इंडिया में आ गई या कोई पर्सन इंडिया में लेके आया तो जो पर्सन इसका ओनरशिप जो पर्सन इनका टाइटल क्लेम कर रहा है उसको कस्टम भी पे करना पड़ेगा और इन गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे यूजिंग वैल्यूएशन रूल्स, कस्टम ऑफिसर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके वैल्यू करेगा या फिर ऑक्शन करके इनकी वैल्यू निकालेंगे और उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा उस पर्सन को जो इनका ओनरशिप क्लेम करता है ओके। सेक्शन नंबर 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ डैमेज्ड गुड्स सर, और 23 बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ लॉस्ट डेस्ट्रॉयड और अबेंडेंट गुड्स, 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ डैमेज्ड गुड्स, देन 22 लगेगा डैमेज्ड गुड्स के केस में, डेटोरेटेड गुड्स के केस में 22 अप्लाई नहीं होता है, आई रिपीट डैमेज्ड गुड्स के केस में ही 22 अप्लाई होगा, डेटोरेटेड गुड्स अगर है तो सर 22 अप्लाई नहीं होगा, आप चाहे तो रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 23 के केस में ओके। सेक्शन नंबर 23 में ओके, सेक्शन 22 अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई भी गुड्स आपने इंपोर्ट किया एंड बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, आई रिपीट बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन एट एनी स्टेज अगर कोई गुड्स डैमेज हो गया तो सर उस डैमेज की वजह से अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो जितनी वैल्यू उसकी डाउन हो गई उतना प्रपोर्शन आपको ड्यूटी में अबेटमेंट मिल जाएगा। एंड सर जो उसकी नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ वाज द वैल्यू और सर डैमेज होने के बाद उसकी वैल्यू आ गई कितनी, केवल 70 लाख या चलो 70 लाख मान लो। अब ऐसे केस में 70 लाख वैल्यू कैसे है बेटा, कस्टम ऑफिसर वैल्यू निकालेगा उसकी डैमेज गुड्स की या फिर मार्केट में ऑक्शन करके उसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, 70 लाख आ गई डैमेज वैल्यू क्लियर, एंड 1 करोड़ थी ओरिजिनल वैल्यू बेटा। अब अगर 1 करोड़ वैल्यू थी तो 10 लाख रुपये टैक्स लगता था मान लो, तो सर 70 लाख अभी की वैल्यू डिवाइड बाई 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 10 लाख तो 7 लाख विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 3 लाख का आपको क्या मिल गया, अबेटमेंट मिल गया बच्चों क्लियर ओके। सर ध्यान देना बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन मे बी इट विल कवर मेनी केसेस, जैसे ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हो गया, वाइल अनलोडिंग डैमेज हो गया, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कस्टडियन डैमेज हो गया, या वाइल इन द वेयरहाउस डैमेज हो गया, कभी भी डैमेज हो गया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो सेक्शन में 22 का बेनिफिट आप ले सकते हो, अबेट मिल जाएगा आपको बेटा डन। 23 बोलता है क्या, गुड्स लॉस्ट डेस्ट्रॉयड और अबेंडेंट गुड्स उसके केस में रेमिशन, अगर कोई गुड्स लॉस हो गया डेस्ट्रॉय हो गया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो ऐसे केस में ड्यूटी रेमिशन मतलब माफ हो जाएगी, आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने एडवांस पे कर दी थी तो आपको रिफंड मिल जाएगा पूरी ड्यूटी का, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा क्लियर। इसमें एक और आता है अबेंडेंट गुड्स, अगर किसी भी कारण से आई रिपीट किसी भी कारण से अगर आपको गुड्स नहीं चाहिए अभी गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गया आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रेलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, और ऐसे केस में अगर आपने रेलिंक्विशमेंट कर दिया तो ऐसे केस में आपको कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, एक तरह से आपने गुड्स डोनेट कर दिया इन द फेवर ऑफ कस्टम्स, कोई कस्टम पे नहीं करना है। पर हाँ अगर किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में आपने ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो रेमिशन अलाउ नहीं होगा, रेलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होता बेटा। और हाँ ध्यान देना रेमिशन क्लेम करने के लिए रेलिंक्विशमेंट के लिए गुड्स भले एकदम नए हो पैटी पैक हो शानदार हो कोई दिक्कत नहीं, आप रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों क्लियर डन। सर जैसा सुनना बच्चा सिम्फनी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड केस में जजमेंट आया था बेटा, आपको पता है क्या कि गुड्स थोड़े से डैमेज हो गए पर वो बोलता है मेरे को तो रेलिंक्विशमेंट अप्लाई करना है, तो यस अलाउ हो गया,
और हाई कोर्ट में केस जीत गया, और ऐसे केस में मैं तो कह रहा हूँ इतना सा डैमेज नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डैमेज हुआ ही नहीं, नया का नया था, फिर भी रिलिंक्विशमेंट करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर। पर ऑफेंडेड गुड्स नहीं होने चाहिए बेटा, क्लियर। अगर ऑफेंस कमिट किया तो ऐसे केस में रिलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं होता, ये था सेक्शन नंबर 23। आइए 24 बोलता है डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स, मतलब आपने खराब किया गुड्स को, पर पूरा खराब नहीं किया। एग्जाम्पल दारू याद है बेटा, अरे एल्कोहल दारू में क्या मिक्स करते हैं, अबे ओ सोडा नहीं, ओए क्या मिक्स करते हैं, इथेनॉल। क्यों मिक्स करते हैं, सो दैट इट रिमेन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज ओनली, और जिस यूज के लिए गुड्स बचेगा उस अकॉर्डिंग ही कस्टम लगाएंगे बेटा, क्लियर। तो कोई गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया जिसके मल्टीपल यूज है और यूज के अकॉर्डिंग कस्टम रेट अलग अलग है, तो ऐसे केस में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उस इंपोर्टेड गुड्स में कुछ प्रिस्क्राइब कंटेंट इन प्रिस्क्राइब क्वांटिटी मिक्स कर देगा, सो दैट इट रिमेन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज ओनली, और जिस यूज के लिए वो गुड्स बचा है उस यूज के अकॉर्डिंग जो रेट लगता है वही रेट लगेगा उन इंपोर्टेड गुड्स बेटा। ये था सेक्शन 24। 25 सुनो बेटा, 25 पढ़ेंगे हम एग्जिमशन के चैप्टर में, गवर्नमेंट के पास पावर टू ग्रांट द एग्जिमशन टू एनी ऑफ द गुड्स, क्लियर। आ रहा है 26, तो सेक्शन 20 और 26 दोनों साथ में पढ़ रहे हैं बेटा। अगर मान लो आपने कोई भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स वापस रिटर्न हो गया अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब उसने सेल रिटर्न कर दिया, तो ऐसे केस में फर्स्ट पॉइंट जब वो गुड्स वापस इंडिया में आएगा तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे, सेकंड थिंग उस पर कोई कस्टम्स नहीं लगेगा, थर्ड थिंग अगर आपने एक्सपोर्ट करने पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी और अगर गुड्स एक साल में वापस आ गया तो ऐसे केस में आपको वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा, आप 6 महीने के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हो बच्चों। थर्ड केस, नेक्स्ट केस, अगर आपने जब गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो वापस आया फॉर द पर्पज बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया और आपने इंपोर्ट किया, बाय वे ऑफ रीसेल अगर इंडिया में आया तो नॉर्मल इंपोर्ट नॉर्मल कस्टम लगेगा बेटा, पर अदरवाइज बाय वे ऑफ रीसेल अगर आया है तो उसको इंपोर्ट नहीं मानते, कोई कस्टम नहीं लगाएंगे। पर हाँ, जब आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया था तब आपने कुछ एक्सपोर्ट के इंसेंटिव लिए थे, जैसे ड्रॉबैक लिया था, रिफंड लिया था, कोई बेनिफिट लिया था, तो उतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस रिटर्न करना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अगर वो गुड्स 3 साल प्लस एक्सटेंशन में अगर वापस आ गया है, क्लियर, विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस वही गुड्स आना चाहिए बेटा। ओके, नेक्स्ट सर, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और वो गुड्स वापस आया है पर फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स आया है बेटा, या रीप्रोसेसिंग, रिपेयर से रीप्रोसेसिंग के लिए आया, या फिर रीमेकिंग के लिए आया है, या रिकंडीशनिंग किया है, तो ऐसे केस में सर वो गुड्स जब आया है तब कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, पर सर देना रिपेयर्स के लिए आया या फिर रिकंडीशन लिया तो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए बेटा। और अगर सर रीप्रोसेसिंग, आई रिपीट, सॉरी यहाँ पर टाइम के अंदर बता रहा हूँ वापस, अगर कोई गुड्स रिपेयर्स के लिए आया है, हाँ सर रिपेयर्स या रिकंडीशन लिया तो 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए, नेपाल केस में 10 साल का टाइम है, और अगर रीप्रोसेसिंग, रीमेकिंग, रिफाइनिंग या एनी सच प्रोसेस लिया तो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए बेटा। रिपेयर्स या रिकंडीशन लिए 3 साल, नेपाल केस में 10 साल, और रिफाइनिंग, रीप्रोसेसिंग या रीमेकिंग या सिमिलर प्रोसेस के लिए आया तो विदिन 1 ईयर गुड्स आ जाना चाहिए सर, जब आपने एक्सपोर्ट किया तो इसके 1 साल में आ जाना चाहिए, और अगर आया है तो कोई कस्टम पे नहीं करना, पर वो गुड्स रिपेयरिंग या रीप्रोसेसिंग या जो भी प्रोसेस के लिए आया था वो प्रोसेस करने के 6 महीने के अंदर वापस एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, मतलब जब इंपोर्ट किया उसके 6 महीने वापस एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, प्लस जब इंपोर्ट होता है आप बोन साइन करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफिसर से कि साहब ये गुड्स को मैं प्रोसेस करके वापस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो 6 महीने का है उसमें भेज दूंगा, नहीं भेजा तो मैं इन पे जो मेरे को बेनिफिट मिला टैक्स का वो मैं पे करूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट, क्लियर। एंड सर देना सच गुड्स शुड बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ, पर कमीशन चाहे तो 6 महीने का टाइम और दे सकता है, प्लस ACDC असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ द ज्यूरिसडिक्शनल पोर्ट सर उसको वेरीफाई करेगा कि जो गुड्स इंडिया में आया वही इंडिया से बाहर जाना चाहिए, कोई और गुड्स इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, क्लियर डन। तो ये बेनिफिट है, अदरवाइज जो कस्टम बेनिफिट आपको मिले तो वो आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। ओके, लास्ट केस, अगर कोई गुड्स आपने इंडिया से बाहर भेजा, ना दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने कोई गुड्स दो या तीन बार अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजा फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स और वो गुड्स रिपेयर्स होके वापस से इंडिया में आ गया विदाउट गेटिंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस विद इन 3 ईयर प्लस एक्सटेंशन इफ एनी अलाउड बाय द डिपार्टमेंट, तो ऐसे केस में जब वो मशीन इंडिया में आएगी तो पूरी वैल्यू पे कस्टम पे नहीं करना है, पर हाँ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, आई रिपीट फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स और मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग, उसकी जो फेयर कॉस्ट है भले ही उसने मेरे से चार्ज किया या नहीं किया, फ्री वारंटी में था बेटा कोई चार्ज नहीं किया, फिर भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स और मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट में मुझे कस्टम पे करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू ऑफ मशीन पे कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, क्लियर डन। ये सेक्शन 26 खत्म होता है। अब सर 25A और 25B दो सेक्शन और एड हुए। 25A बोलता है इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स, कोई गुड्स अगर इंडिया में आया फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स या रीप्रोसेसिंग या एनी फर्दर प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे केस में वो गुड्स जब आएगा तो कोई कस्टम पे नहीं करना है, पर आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि मैं इन गुड्स को वापस बाहर भेज दूंगा, पर हाँ दोज गुड्स शुड बी नोटिफाइड गुड्स अंडर सेक्शन 25A, और नोटिफाइड गुड्स अगर इंडिया में आई है फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स या रीमैन्युफैक्चर वगैरह
सर, या कोई भी प्रोसेस के लिए अगर कोई गुड्स इंडिया में आई है फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर के लिए, तो कोई कस्टम पे नहीं करना, पर कंडीशन क्या है, वो नोटिफाइड गुड्स शुड बी री एक्सपोर्ट विद इन 1 ईयर, एक साल में वापस इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए, प्लस एसईडीसी मस्ट बी सेटिस्फाइड कि जो गुड्स आया था वो इंडिया से बाहर गया है, प्लस गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और कंडीशन भी नोटिफाई कर सकती है। 25 भी बोलता है आउटर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, नोटिफाइड गुड्स है इसमें, आई रिपीट, नोटिफाइड गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा है फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स या एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या एनी प्रोसेस, आउट ऑफ इंडिया आपने रिपेयरिंग के लिए भेजा है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भेजा या किसी और प्रोसेस के लिए भेजा है, और वो प्रोसेस होकर गुड्स इंडिया वापस आ रहा है विद इन 1 ईयर, प्लस एसईडीसी से सेटिस्फाइड है कि जो गुड्स गया था वही वापस आया है, क्लियर प्रोसेसिंग होने के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर होने के बाद, ध्यान रखना बेटा, तो नोटिफाइड गुड्स के इसमें कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, नोटिफाइड गुड्स के इसमें। बाकी आपको पता है रिपेयरिंग के लिए अगर गुड्स वापस रिपेयरिंग के लिए गुड्स बाहर गया, रिपेयरिंग होकर वापस इंडिया में आता है विदाउट बिंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस, ऐसे किसमें फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे टैक्स पे करना पड़ता है बेटा, जो हमें हमने पढ़ा। पर 25 भी बोलता है, 25 बी सेक्शन, गवर्नमेंट को पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है गुड्स गुड्स को जहाँ पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, अगर एक साल में गुड्स वापस आ गया है तो। क्लियर, डन, भारत माता की जय। और ध्यान रखना क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं लिखता है तो आपको नॉर्मल केस में अगर कोई गुड्स इंडिया से बाहर गया रिपेयरिंग के लिए और रिपेयरिंग होकर वापस आता है, तो ऐसे केस में आपको फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल यूज इन सच रिपेयरिंग, भले उसने चार्ज किया है नहीं किया, प्लस फ्रेट और इंश्योरेंस बोथ वाइज, इस अमाउंट पे कस्टम पे करना है आपको अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है तो। क्लियर, डन, इसी के साथ भारत माता की जय, पूरा चैप्टर खत्म होता है। हाँ, एक बात और बाकी रहेगी सर, सेक्शन में 26A, सुनो बच्चों, एक बात और रहेगी 26A, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में, क्लियर कर दिया फॉर होम कंजम्पशन, और सर क्लियर कर दिया फॉर होम कंजम्पशन, उसके बाद पता पड़ा कस्टम पे कर दिया, उसके बाद पता पड़ा कि गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो सर ऐसे केस में बोला है क्या, जिस दिन आपने क्लियर किया फॉर होम कंजम्पशन, जिस दिन ऑर्डर फॉर क्लियरिंग ऑफ द गुड्स था, उसके 30 दिन के अंदर गुड्स को या तो आप वापस से सर डिपार्टमेंट को बता देना, ऑफिसर को बता देना कि साहब मैं कोई गुड्स नहीं चाहिए, आई वांट टू रिलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन कस्टम्स, या फिर इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर देना, या फिर कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में इन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देना अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी, तो ऐसे केस में जो आपने कस्टम पे किया उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको नहीं पता था डिफेक्टिव गुड्स है, रिमूव करने के बाद पता पड़ा कि गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो ऐसे केस में जो कस्टम पे किया उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा इवन आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। देखो 22 और 23 जो हमने पढ़ा था उसमें बोला था बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन आपको रिलिंक्विश करना पड़ेगा, 23 में बोला था बेटा ये बात। क्लियर, यहां पे आफ्टर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन भी रिलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, पर टाइम कितना है 30 दिन, पर लेट हो गए तो कमीशन चाहे तो आपको 3 महीने का टाइम और दे सकता है। क्लियर, समझे, जिस दिन क्लियर किया था फॉर होम कंजम्पशन वहां से 30 दिन प्लस 3 महीने का टाइम अगर रीजनेबल केस था तो, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। ओके, अब अगर मान लो रिलिंक्विशमेंट अलाउ हो गया या रिफंड अलाउ हो गया या एक्सपोर्ट वापस अलाउ कर दिया इन्होंने, तो ऐसे केस में जिस दिन वो एक्सपोर्ट अलाउ हुआ है या आपको रिलिंक्विशमेंट अलाउ हो गया या डिस्ट्रॉय कर दिया लेवल ऑफ नो रिकवरी, उसके 6 महीने में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रिफंड मिल जाएगा। पर हाँ, ये सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर गुड्स वर फाउंड टू बी ऑफेंडेड, जिसके लिए ऑफेंस कमिट किया हुआ था, या एक्सपायर्ड गुड्स थे या पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे और गुड्स खराब हो गए, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, तो उसके बाद ये सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन में 26A भी खत्म होता है। अब आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया बच्चों। अरे क्लियर, पक्का बेटा, माहौल, सर भारत माता की जय। आई होप पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर है। ये चैप्टर में 26 कस्टम का जो सेकंड चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता ही बनता है 4 मार्क का मिनिमम। क्लियर, अच्छे से सुनेगा। और हाँ बच्चों, एक गलती मेरे से हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जल्दबाजी में 18% पर एनम बोल गया। अरे कस्टम्स के केस में एंटायर कस्टम्स एक्ट में ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी एप्लीकेबल जो नोटिफाइड है वो है 15% पर एनम। सर ध्यान रखना, जब भी असेसी टैक्स पे करने में लेट होता है, या जैसे सेक्शन नंबर 18 हमने पढ़ा प्रोविजनल असेसमेंट, तो जब वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा, तो असेसी जब टैक्स पे करता है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है 15% पर एनम। सर ध्यान रखना, जीएसटी में था कितना, 18% पर एनम। एंड हाँ, जीएसटी के अंदर सर 2 केस में 24% पर एनम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पर पूरे कस्टम्स में जहां भी इंटरेस्ट की बात आएगी, जब असेसी को पे करना आता है इंटरेस्ट, तो कितना है 15% पर एनम। एंड हाँ, गवर्नमेंट जब रिफंड देने में लेट होता है तो ध्यान रखना गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6% पर एनम पूरे कस्टम्स में। और यही था कहां पर, जीएसटी में भी, बस जीएसटी के केस में भी 6% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ पेड लेट बाय द डिपार्टमेंट। पर हाँ सर, वहां पे जीएसटी में एक पॉइंट और था कि अगर कभी भी सर कोई मैटर एडवोकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया या अपील में अगर आप केस जीत गए और ऑर्डर पास होने के बाद भी 60 दिन में अगर उन्होंने रिफंड टाइम पे नहीं दिया, तो वहां पे 9% पर एनम इज द इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट। अदरवाइज हर जगह कितना है, 6% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द गवर्नमेंट।
क्लियर, पर एसएससी की बात करूंगा तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा 15% पर एनम कस्टम के केस में, जीएसटी में 18% और दो केस में जीएसटी में सर 24%। बच्चों क्लियर सर, 15% पर एनम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टम के केस में, जीएसटी में 18% और 24% बेटा। क्लियर, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।